अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत में होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से गुजार रहे होंगे। तो आज के ब्लॉग में हम थोड़ा सा पाकिस्तान के अंदर ट्रैवलिंग ब्लॉग होने वाला है, जो कि आपको आगे चल के बताऊँगा कि हम कहाँ पर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सिचुएशन है। जुड़े रहिए इस वीडियो में। थोड़ा सा सामान चाहिए, थोड़ी सी पैकिंग चाहिए हमें, वो कर लें, उसके बाद फ्री होकर आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर बेकरी के अंदर मौजूद हैं, कुछ स्वीट चाहिए हमें, काफ़ी सारी स्वीट्स पड़ी हैं, इसमें पता करते हैं कि कौन सी चाहिए हमें। हमने लिए हैं जी 1 किलो स्पेशल का डब्बा, जिसमें ये रसगुल्ले हो गए, गुलाब जामुन होगी और वो बर्फ़ी होगी, और जो दूसरा है वो हमने लिया है पूरी 1 किलो बर्फ़ी। 2 किलो टोटल हमने परचेज़ की है, अभी पैकिंग होती है तो निकलते हैं आगे काम की तरफ। ये जी 2 डब्बे बर्फ़ी के और मिठाई के हो चुके हैं, मिठाई वगैरह ले ली है, अभी चलते हैं मेडिकल में, वहाँ से राजिक साशे का एक डब्बा चाहिए, वो लेते हैं। भैया राजिक साशे 40 mg वाला डब्बा चाहिए। A few moments later. वेलकम बैक। तो दूसरा दिन है आज, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह के तकरीबन 9 बजे हैं, फुल तैयारी शारी हो चुकी है, रेडी हो चुके हैं, बस अभी समझ लो कि गाड़ी में बैठना है तो निकलना है एयरपोर्ट की तरफ। इंशाल्लाह मिलते हैं आपको रास्ते में, एंजॉय करें और हमारे साथ जुड़े रहें। तो हम पहुंच चुके हैं इस टाइम काफ़ी ज़्यादा सफ़र करने के बाद उकाड़ा स्टे पेट्रोल स्टेशन पे, मतलब उकाड़ा कैंट भी क्रॉस किया, उकाड़ा बाईपास पे आके एक पेट्रोल पंप है मेरे पीछे, आप देख सकते हैं PSO का मेरे ख्याल से ये पेट्रोल पंप है, वहाँ पे रुके हैं थोड़ा सा रेस्ट के लिए। थोड़ा काफ़ी सफ़र ज़्यादा हो गया था तो मैंने सोचा कि थोड़ा आराम से सुकून से जाएँगे, ताकि थकन वगैरह भी ना हो और हमारा रास्ता भी तय हो जाए। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो जी नाजरीन, वेलकम बैक। लाहौर के अंदर इंटर हो चुके हैं, ये हमारा रिंग रोड है लाहौर का, बहुत ही मशहूर और बहुत अच्छा रोड है, साफ़ सुथरा रोड है। यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर है यहाँ से एयरपोर्ट, बढ़ते हैं अपनी मंजिल की तरफ और आपको एयरपोर्ट के जाके नज़ारे देखते हैं। जी हम पहुँच चुके हैं लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सॉरी इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, जो कि बहुत ही अच्छे मनाजर हैं, आपको भी दिखाते हैं, आप लोग देखना चाहेंगे यस और नो आप कमेंट में बताइएगा। चले आपको यहाँ के माहौल दिखाते हैं और एयरपोर्ट का विजिट करवाते हैं। आप सब लोग देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि यार इसने बता दिया कि मैं लाहौर जा रहा हूँ, ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, एयरपोर्ट पे पहुँच के, तो ये बंदा करने क्या आया है, आप ये लोग सोच रहे होंगे। तो आपको बताता चलूँ कि ये मेरे वाले साहब हैं, जो कि बहरीन से छुट्टी आए थे, तो अभी आज इनकी वापसी है, इनको रवानगी है इनकी,
मैं भी दुबई से आया था, इनके बाद 2 से 4 दिन बाद इंशाल्लाह मेरी भी वापसी होगी और आज इनकी वापसी है। तो इनको छोड़ने के लिए आए हैं, जुड़े रहिए इसी वीडियो में, इंजॉयमेंट करते हैं। जब भी इनका टाइम आएगा इंशाल्लाह इनको रवाना करेंगे और हम वापस जाएंगे अपने घर की तरफ। ये है जी फ्लाइट का शेड्यूल जो कि आप देख रहे हैं कि वो एंड पे बहरीन है, PAA 189, जो कि अभी चेकिंग भी शुरू नहीं हुई मेरे ख्याल से, बाकी लगी हुई हैं मस्कत, मस्कत 2 मस्कत की हैं, जद्दा, रियाज, मदीना। इनकी चेकिंग ओपन है, जैसे ही चेकिंग ओपन होती है तो इनको रवाना करेंगे इंशाल्लाह। A few moments later. अब वो जा चुके हैं बिल्कुल, थोड़ा सा इमोशनल हो गया था मैं क्योंकि माँ, आपको सबको पता है कि जब इंसान परदेश जाता है तो परदेश गुजारना, परदेश में रहना बहुत मुश्किल होता है। मैं भी ऑलरेडी 3 साल होने लगे हैं मुझे भी दुबई के अंदर, घर वालों से दूर रहता हूँ, मतलब सब फेस करता हूँ, लेकिन माँ बाप एक इंसान का ऐसा हिस्सा होते हैं कि जो इंसान कभी छोड़ नहीं सकता और कभी भी उसे भूल नहीं सकता। इसलिए थोड़ा सा फादर जा रहे थे तो इमोशनल सीन थोड़ा सा क्रिएट हो गया, रहा नहीं जाता इंसान से, दिल ही ऐसा है कि माँ बाप से मोहब्बत ही इंसान ऐसी करता है। तो अभी अंदर जा चुके हैं वो, उनको बोला था कि अंदर जाके क्लियर हो जाए जब तो हमें इन्फॉर्म कीजिएगा, हम चलते हैं। अभी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं तो गाड़ी में थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे उनका बैठ के, उसके बाद इंशाल्लाह हम अपनी मंजिल की तरफ वापस हो जाएंगे, अपने घर को चलेंगे। और अल्लाह पाक मेरे फादर को दुआ कीजिएगा कि अपनी मंजिल तक सही सलामत पहुँचाए